लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग टीम के बीच 4 मई को खेले जाने वाले मुकाबले के लिए हुआ है बड़ा बदलाव। अब 4 नहीं बल्कि इस दिन और इतने बजे से खेला जाएगा यह मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों अब लखनऊ और चेन्नई के इस मैच में क्या है बड़ा हुआ है बदलाव और किस दिन कितने बजे से खेला जाएगा यह मुकाबला बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चाहते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग टीम जीत हासिल करे तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो बढ़ते आगे देखते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2023 में 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग टीम के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में बदलाव किया गया है। यह मुकाबला अपने तय समय से एक दिन पहले यानी कि 4 मई की जगह 3 मई को खेला जाएगा। दरअसल यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन 4 मई को लखनऊ में नगर निकाय चुनाव होने हैं जिसके चलते लखनऊ और सीएसके के बीच होने वाले इस मैच में बदलाव किया गया। बता दें कि 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग टीम के बीच मैच खेला जाना था और इस दिन डबल हेडर मुकाबले होने वाले थे। पहले यह मैच 3:30 बजे से शुरू होना था, वहीं शाम को सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 5:30 बजे से दूसरा मुकाबला खेला जाना था। हालांकि शेड्यूल में बदलाव के बावजूद लखनऊ और चेन्नई के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में डबल हेडर ही रहेगा। सीएसके और लखनऊ के बीच यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उस दिन शाम को दूसरा मुकाबले के भिड़ंत में पंजाब और मुंबई के बीच मुकाबला होना वाला है। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना, इस खबर के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।